राजनीति की बात में कहानी आज उस राज्य की जहां मुख्यमंत्री के पद पर सिर्फ एक ही जाति का कब्जा रहा है। कौन सा है वो राज्य और क्या है उस राज्य के समीकरण, यही जानकारी आज हम आपको इस वीडियो में देंगे। नमस्कार, जी हिंदुस्तान में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ हूं आकाश सिंह। हम दरअसल जिस राज्य की बात कर रहे हैं उसका नाम है हिमाचल प्रदेश। वही हिमाचल प्रदेश जहां हाल ही में 12 नवंबर को 68 विधानसभा सीटों के लिए मतदान हुए हैं। प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन बनेगा इसको लेकर चर्चा जारी है, लेकिन इस मुख्यमंत्री की कुर्सी का एक ऐसा समीकरण है जो बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प है। दरअसल हिमाचल में अब तक के राजनीतिक इतिहास को अगर देखा जाए तो प्रदेश के कुल 6 मुख्यमंत्रियों में से 5 राजपूत सीएम रहे हैं। राजपूत के इतर केवल एक ब्राह्मण उम्मीदवार को सीएम बनने का मौका मिला था, लेकिन वो दोनों बार अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर सके हैं। बता दें कि हिमाचल में 1952 में डॉक्टर यशवंत सिंह परमार प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री बने थे, जो 22 साल तक राज्य के मुखिया बने रहे। उनके बाद 6 बार वीरभद्र सिंह, 2 बार ठाकुर रामलाल सिंह सीएम बने। वहीं बीजेपी से प्रेम कुमार धूमल 2 बार और वर्तमान में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर 1 बार सीएम बने। ऐसे में सभी चेहरे राजपूत हैं। इन सब के बीच ब्राह्मण जात से प्रदेश के केवल शांता कुमार ही मुख्यमंत्री बने। ऐसे में हर किसी के मन में यही सवाल उठता है कि क्यों केवल प्रदेश में राजपूत ही प्रदेश के मुख्यमंत्री बनते हैं। पहले ब्राह्मण जात से आए शांता कुमार की बात कर लेते हैं। भाजपा से ताल्लुक रखने वाले शांता कुमार कभी भी अपने कार्यकाल को पूरा नहीं कर पाए। वह हिमाचल के पहले गैर कांग्रेसी और गैर राजपूत सीएम थे। अब बात करते हैं राजपूत मुख्यमंत्रियों के बारे में। हिमाचल क्षेत्रफल और आबादी दोनों के लिहाज से छोटा राज्य है। 2011 की जनगणना के अनुसार देश की कुल आबादी में हिमाचल का हिस्सा मात्र 0.57% का है और प्रदेश में 50.72% आबादी सवर्णों की है, जिनमें सबसे अधिक 32.72% राजपूत हैं और 18% ब्राह्मण। वहीं 25% SC, 5% ST, 13% OBC और 4.8% अन्य समुदाय के लोग रहते हैं। देखा जाए तो भाजपा आमतौर पर बड़ी आबादी या प्रभावशाली जात के व्यक्ति को सीएम नहीं बनाती है। भाजपा ने नरेंद्र मोदी के सत्ता में आने पर महाराष्ट्र और हरियाणा में सीएम के मामले में नया राजनीतिक प्रयोग किया है। हालांकि हिमाचल में जयराम ठाकुर को मुख्यमंत्री बनाना एक अहम घटना थी, क्योंकि प्रदेश की राजनीति में पिछले 3 दशकों से कांग्रेस में वीरभद्र सिंह और प्रेम कुमार धूमल परिवार का दबदबा रहा था। ऐसे में 2022 के विधानसभा चुनाव में भी दोनों प्रमुख दलों में सीएम पद के दावेदारों में राजपूतों और ब्राह्मणों में ही सीएम के चेहरों की खोज होगी, क्योंकि इनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा है। ऐसे में इस बार बीजेपी की तरफ से तो चेहरा साफ है। अगर बीजेपी यह चुनाव जीत जाती है तो जयराम ठाकुर ही मुख्यमंत्री बने रहेंगे। आपको बता दें कि हिमाचल में अधिकतर विधानसभा कार्यकालों में राजपूत MLA ही जीत कर आते हैं। 68 विधानसभा सीटों पर 30 से ज़्यादा MLA राजपूत बिरादरी से ही चुने जाते हैं। ऐसे में दोनों पार्टियों के हाईकमान चाह कर भी राजपूत बिरादरी को नकार नहीं सकते हैं। हालांकि प्रदेश का अगला सीएम कौन होगा यह फैसला 8 दिसंबर को होगा, जब चुनाव के नतीजे सामने आएंगे। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलेंगे किसी और किस्से के साथ, सुनाएंगे कोई और दास्तां। तब तक देखते रहिए जी हिंदुस्तान डिजिटल।